सो हे गाइस, आई एम नियाज एंड वेलकम टू आवर चैनल टेक्टूनियंस। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप किसी का भी व्हाट्सएप नंबर को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, यानी दोस्तों आप किसी का भी व्हाट्सएप नंबर को कैसे कब तक ऑनलाइन था और उसका लास्ट सीन आप कैसे जान सकते हैं। सो बेसिकली अगर उसने जो है अपने प्राइवेसी को नोबडी करके रखा है या फिर माई कॉन्टैक्ट करके रखा है प्राइवेसी को, लास्ट सीन को, या फिर जो भी है उसको फिर भी ट्रैक किया जा सकता है। सो कैसे इसको ट्रैक किया जा सकते हैं, हम इस वीडियो में आप लोगों को वही दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो इसके लिए दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है दोस्तों व्हाट्स एजेंट। तो इसका लॉगो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। तो आप सिंपली इसको डाउनलोड कर लीजिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे इसको लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये बेसिकली जो 7 डे ट्रायल पैक आपको मिलता है, अगर उसके बाद अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत पैसे देने की जरूरत पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। सिंपली मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ओके, सो इसका इंटरफेस इस तरह का होगा। सो सबसे पहले तो आपको जो है प्राइवेसी पॉलिसी को, इसको टर्म्स एंड कंडीशन को जो एग्री करना पड़ेगा। सो आप सिंपली एग्री कर दीजिए एंड जिसका भी आप फोन नंबर को जो ट्रैक करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसका फोन नंबर दे दीजिए एंड यहाँ पे कुछ भी एक नेम दे दीजिए आपका, जो भी आप मंचा, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों जो है यहाँ पे आप उसका जो है ट्रैक कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे कुछ एक नंबर दे देता हूँ, फिर आपको वहाँ से दिखा रहा हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक नंबर दे दिया, ठीक है। तो नंबर देने के बाद यहाँ पे जरूर से जो है यहाँ पे कंट्री कोड को आप चेंज कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये जो है बाहर का एप्लीकेशन है। सो यहाँ पे जो आपको कंट्री कोड आपका जो है इंडिया का 91 है। सो आप वहाँ पे क्लियरली यहाँ पे जो है चेक करके यहाँ से इंडिया दे दीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने इसको नाम जो है टेस्टिंग करके रखे जाके आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे सिंपली आपको जो है फॉलो पे क्लिक करना है एंड फॉलो होने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है जो प्रिपेयरिंग वगैरह होगा और उसके बाद कुछ ऐड वगैरह इस तरह से आ सकता है, ठीक है। सो आप सिंपली इसको कट कर दीजिए एंड यहाँ पे देखिएगा इस तरह होगा, टेस्टिंग वगैरह दिखा रहा है, ठीक है। तो होने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है यहाँ पर अभी जो है क्या करेगा, इसका नाम दिखे यहाँ पे टेस्टिंग मैंने वहाँ पे दिया था, तो वही यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। सो अभी दोस्तों क्या है यहाँ पे जो है अभी कब तक ये ऑनलाइन रहेगा यहाँ पे अभी आप लोगों को दिखाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसका जो है मोबाइल नंबर को जो यहाँ पे दिया है, सो मैंने इसको ओके गाइस। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को वही दिखा देता हूँ कि इसका प्राइवेसी जो है क्या करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली जो है मैं यहाँ पे जो है व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, सो व्हाट्सएप मैंने इसको ओपन कर लिया है, ठीक है। सो सिंपली मैं इसको जो है सेटिंग्स में चला जाता हूँ, ठीक है। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों जो है यहाँ पे जो अकाउंट पे चला जाता हूँ, ठीक है। एंड अकाउंट पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए प्राइवेसी पे क्लिक करिए एंड यहाँ पे दोस्तों जो आपको दिखने को मिल जाएगा लास्ट सीन जो है यहाँ पे नोबडी करके रखा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोबडी करके रखा, फिर भी दोस्तों मैंने जो है मैं इसको जो है चेंज करूंगा, मैं आप इसको इसी नंबर को दोस्तों ट्रैक करके आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। अभी ऑन कर देता हूं, अभी देखिए क्या टाइम हुआ है, ठीक है। तो इसी टाइम पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी आप लोग समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। ओके, सो आप सिंपली जो है जिस नंबर का भी आपने सेव किया है, सो इस तरह से करने के बाद दोस्तों आप सिंपली जो है इसको बैक कर दीजिए एंड वो जब भी सो ये जो अभी जब जो है इस तरह से जो है ऑनलाइन आएगा, सो यहाँ पे दोस्तों आपको नोटिफिकेशन भी आ सकता है कि जो है टेस्टिंग इज ऑनलाइन, जो भी आपने नाम से सेव किया है सो वो ऑनलाइन है, सो अभी वो आपको दिखाएगा इसी तरह से, ठीक है। दोस्तों अभी जो है मैं इसको ऑनलाइन हूँ, सो यहाँ पे अभी दिखाएगा। सो थोड़ी देर में मैं चेक करूँगा कि कब तक यहाँ पे ऑनलाइन था, कब तक जो है इसने लास्ट सीन कब गया था व्हाट्सएप से, ठीक है। ओके गाइस, तो चलिए इसको जो है मैं इस यहाँ से जो है बैक करता हूँ एंड जो है यहाँ से मैं चेक करता हूँ कि कब तक ये ऑनलाइन था, ये ठीक तरह से दिखा रहा है या नहीं, ठीक है। सो अभी जो है टाइम आप देख सकते हैं कितना टाइम यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ओके, 8:15 AM, ठीक है। सो चलिए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि कब तक ये ठीक टाइम दे रहा है या नहीं, ठीक है। सो यहाँ सबसे पहले ओपन जब भी करेंगे आप तो यहाँ पे टेस्टिंग दिखाएगा। सो यहाँ पे देखिए हम लोग बैक कर दिया, फिर भी यहाँ पे जो है ऑनलाइन दिखा रहे हैं। सो थोड़ा सा देर यहाँ पे होगा, उसके बाद जो ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दिखा, ठीक है। तो सिंपली जो इसको रिफ्रेश करते रहिए एंड यहाँ पे जो है आपका टाइम वगैरह जो चेंज होता रहेगा, ठीक। चलिए हम लोग इसे फिर से रिफ्रेश करते हैं। ओके ओके, सो फिर रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखिए 1 मिनट एगो यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे देख सकते 1 मिनट एगो, यानी तो व्हाट्सएप से वो अभी जो है चला गया, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है ग्राफ भी यहाँ पे जो है क्रिएट हो गया। सिंपली आप ग्राफ के ऊपर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे अभी दिखाएगा कि 8 बजे से जो है दोस्तों ये ऑनलाइन पे था, ठीक है, 8 बजे से लेकर, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए टाइम आपको दिखाएगा इसी तरह से। सो अगर आप और भी जानना चाहते हो सिंपली इस पर दोस्तों जो एक बार क्लिक कीजिए। ओके, सो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली दिखा गया कि किस टाइम से लेकर किस टाइम तक दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन पे था, ठीक है। सो अभी देखिए 8:09 से लेकर दोस्तों जो है 8:15 तक जो है ये ऑनलाइन पे था। सो इसी तरह से आप दोस्तों ट्रैक कर सकते हैं ये कब तक ऑनलाइन पे था, कब ऑनलाइन है, अगर उसने जो है लास्ट सीन को प्राइवेसी को जो है लॉक कर दिया फिर भी वो जो है अभी दिखाएगा, ठीक है। एंड जो इमरजेंसी टाइम के लिए ही बस आप इसको यूज़ कीजिए, ठीक है दोस्तों। सो कुछ बुरा मत करना, किसी की प्राइवेसी के लिए छेड़छाड़ करना अच्छी बात नहीं है। सो चलिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। वीडियो इतनी ही थी, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाना दीजिए इस फीचर्स को। आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।